हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिक्स हैंडी में। आज की हमारी रेसिपी है करेला, जिसको हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे कि ये कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस रेसिपी को लास्ट तक पूरी जरूर देखिए, ताकि आपको बनाने का सही तरीका पता लग जाए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करेले ले लिए, इसके दोनों साइड से मैंने कट कर लिए हैं। अब हम रख देते हैं गैस चूल्हे के ऊपर कढ़ाई, और उसमें डाल देते हैं 2 गिलास पानी। अब इसमें पानी को उबलने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे करेले। जी हाँ, हम यहाँ पर डाल रहे हैं करेले। हम करेलों को उबाल कर बनाएंगे, और ये मैंने सारे करेले इसमें डाल दिए हैं। हमें करेलों को उबालना है, और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टमाटर, और इसके साथ में डलेंगी 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। ये देखिए, लहसुन की कलियाँ यहाँ पर डाल दिए हैं, और 7-8 काजू डाल देंगे। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, और इसको हम उबाल लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसको उबालना है करेले को। तो चलिए हम करेले चेक कर लेते हैं, ये उबले हैं या नहीं। अब इसको हम ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखिए, इनका कलर चेंज हो चुका है, और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम करेलों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये छन्नी की सहायता से करेले सारे निकाल लिए हैं। ये देखिए, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम टमाटर भी निकाल लेते हैं। और इस टमाटर के अब हम छिलका उतार लेंगे, ताकि हम इसकी ग्रेवी बना सकें। देखिए, इसका छिलका बहुत ही ये सॉफ्ट हो चुका है टमाटर, और इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में पीसने के लिए रख लेते हैं। इसके साथ में ही टमाटर के साथ में काजू और जो लहसुन हमने उबाला था ना, उसको भी इसमें हम डाल देंगे, और उसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर करेले भी ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैं करेला ले लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसको राउंड शेप में कट करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको लंबे लंबे भी काट सकते हैं। ये देखिए, करेले पूरी तरह से कट हो चुके हैं। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट ये लिया था, वो टमाटर का पेस्ट हमने बिल्कुल बारीक तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है। 1/4 इसमें डाल देंगे हींग, और साथ में डाल देंगे 2 लाल सूखी लाल मिर्च और 2 प्याज बारीक चॉप की हुई। इनको हम भून लेंगे, और साथ में डालेंगे हम 2 से 3 हरी मिर्च, और इस मसाले को भी हम अच्छे से भूनने देंगे। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, उसको भी डाल देते हैं, और इसी के साथ हम डाल देंगे मसाले। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच ही किचन किंग पाउडर, और 1/2 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ मैं सौंफ। और इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जो टमाटर का पेस्ट का पानी बचा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसको हम अब ढक कर के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला पूरी तरह से भुन ना जाए। यहाँ पर मैंने ढक दिया है, ढक्कन लगा दिया है इसका। अब मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। चलिए चेक करते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले को चेक कर लेते हैं। ऑयल पर आ चुका है, और ये मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार है। मसाला भुन चुका है, तो अब बारी है करेले डालने की। जो हमने करेले उबाले थे, कट किए थे, अब वो इसके अंदर हम डाल देते हैं, और करेलों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो पूरी तरह से इसके अंदर चला जाए। ये देखिए, हमने करेले यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, और 1/2 कप पानी डालने के बाद हमें इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और ढक्कन रख देते हैं। हमें इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है लो फ्लेम पर। आप देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार होगी करेलों की, बिल्कुल ही अलग तरीके से। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाकर देखते हैं, तैयार हुई है या नहीं सब्जी। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये हमारे जो करेले की सब्जी है, वो बनकर पूरी तरह से तैयार है। करेले को उबाल कर बनाने से इसका कड़वापन खत्म हो जाता है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।